क्या यशराज के कॉन्ट्रैक्ट में झोल था? क्या यशराज के कॉन्ट्रैक्ट से कुछ ऐसा मिला है जिससे पुलिस को पूरा पूरा जो शक था वो यकीन में बदल गया है, या यशराज की इसमें कोई भूमिका नहीं है? ये सब कुछ जो राज था वो यशराज के कॉन्ट्रैक्ट में था। अब उस कॉन्ट्रैक्ट की बारीकी वाली डिटेल्स जो है फिल्म विंडो के पास आई है, और क्या है वो डिटेल मैं हीना कुमावत आपको बताऊंगी। ये जाहिर सी बात है, जब एक स्टार के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसमें बारीकियों से जो है बहुत चीज़ें मेंशन की जाती हैं कि वो कितनी फिल्म करेगा, क्या होगा। यशराज के साथ अक्सर जो है 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट जो है एक आर्टिस्ट करता है, और ऐसे में वो 3 फिल्में किसी भी मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही साल में 3 फिल्म बनेगी, 3 साल में 3 फिल्में बनेंगी, और ये प्रोडक्शन हाउस पे होता है कि वो किस फिल्मों में अपने उस आर्टिस्ट को कास्ट करें। अब जो कॉन्ट्रैक्ट की 2012 की कॉपी दी गई है, जो पहला कॉन्ट्रैक्ट बना था, जो कॉन्ट्रैक्ट टूटा था वो वाली कॉपी नहीं दी गई है। उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत को 3 फिल्मों में कास्ट किया जाना था, ये सभी जानते हैं। पहली फिल्म के लिए उन्हें 30 लाख दिए जाने थे, दूसरी के लिए 60 लाख, और तीसरी के लिए 1 करोड़। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि टर्म्स एंड कंडीशन थे कि आपका जो 30-30 लाख जो है वो इंक्रीमेंट क्यों होगा, कब होगा, उसके अंदर भी बहुत सारे क्लॉजेस थे। पहली फिल्म अगर आपकी हिट होती है तो दूसरी के लिए आपको 60 लाख दे देंगे, और वो भी हिट होती है तो तीसरी के लिए 1 करोड़ दे दिया जाएगा। लेकिन उसमें दूसरी कंडीशन कुछ इस तरह से मेंशन की गई थी कि पहली और दूसरी फिल्म दोनों ही हिट होगी तो ही आपको 1 करोड़ तीसरी फिल्म के लिए मिलेगा। एक कंडीशन और जो सामने आ रही है वो ये है कि पहली हिट दूसरी फ्लॉप तो तीसरी के लिए 30 ही लाख मिलेगा। हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज़ें। फिर एक कंडीशन थी कि पहली फ्लॉप हुई, दूसरी हिट हुई तो तीसरी के लिए 60 लाख मिल जाएगा। उनकी पहली फिल्म थी शुद्ध देसी रोमांस, दूसरी थी ब्योमकेश बख्शी, तीसरी पानी बनने वाली थी। लेकिन यशराज ने पहली फिल्म शुद्ध देसी रोमांस के हिट हो जाने के बाद दूसरी फिल्म जिसमें उनको 60 लाख दिया जाना था उसी के लिए उनको 1 करोड़ रुपया ऑफर किया, और वो 1 करोड़ रुपये में उन्होंने वो फिल्म की। अब ये सवाल आ रहा है कि जब कॉन्ट्रैक्ट में 60 मेंशन था तो उन्हें 1 करोड़ क्यों दिया गया? क्या यशराज उनके काम से वाकई में इतना खुश था और उन्हें लगता था कि अब सुशांत की मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ गई है और उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए, या इसके पीछे कुछ और वजह थी? इसी को लेकर जो है पुलिस छानबीन कर रही है। सूत्रों से ये भी पता चला है कि यशराज का ये कॉन्ट्रैक्ट जो है जो अवेलेबल कराया गया है पुलिस को, उसमें कुछ इस तरह की बारीकी की डिटेल्स निकल कर आई है। लेकिन साल 2015, क्योंकि आपने 2 ही फिल्म की, 13 में जब पानी नहीं बनी तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें आपसी सहमति से, ऐसा आशीष का कहना है कि आपसी सहमति से टूटा। तो वो जो आपसी सहमति से, आप किसी कंपनी के साथ अलग होते हैं, लीगल है ये सारी चीज़ें। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो लीगल है, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट से निकले हैं तो वो भी लीगल है। तो वो लीगल वाले कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स कहाँ हैं? तो यशराज को वो नहीं मिले हैं, इस तरह से सूत्रों से पता चला है कि उन्होंने वो कॉपी नहीं दी है। तो उस कॉपी का भी पुलिस जो है इंतज़ार कर रही है। लेकिन फिलहाल जो है ये सारी डिटेल्स निकल कर यशराज के कॉन्ट्रैक्ट से आई है कि कुछ इस तरह का डील हुआ था। अब दूसरी फिल्म में 60 की जगह 1 करोड़ क्यों दिए गए, ये जो है पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा क्या उससे पहले ही डिसाइड हो गया था कि नहीं तीसरी फिल्म नहीं करेंगे और अभी ही इस फिल्म के लिए इतना पैसा दे दिया जाए। तो इन सभी चीज़ों पर जो है पुलिस छानबीन कर रही है। इसको लेकर अगर कुछ भी अपडेट आता है तो हम सबसे पहले फिल्म विंडो पर लेकर ज़रूर आएंगे।